दिस इज बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब कमेंट कर रहे थे कि भाई प्रिंटरी प्रेस का एक पोस्टर दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के माध्यम से, तो आप सबको बता दें कि एक नहीं, आपको इसी वीडियो में आपको साइबर और प्रिंटिंग प्रेस भी मतलब एक साथ आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप अगर मानते हैं कि मान लीजिए कि आपको ऑनलाइन दुकान है और उसमें प्रिंटिंग प्रेस का दुकान भी शॉप मतलब ऐड कर लिए हैं, तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज प्रिंटिंग प्रेस का भी पर्सनली है तो इसे भी यूज कर सकते हैं। और आपको क्या करना है कि बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना है और आपको ध्यान से समझ लेना है कि इसमें क्या क्या एडिट करना है, ठीक है। तो आप सबको मतलब कि मिस्टेक ना कीजिएगा, आपको मतलब बिफोर मतलब कि स्टेप बाय स्टेप इसमें देखिएगा, आपको पीडीएफ फाइल केवल मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आसानी से आप वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर लीजिए। बट बता दें उस फाइल का पासवर्ड इसी वीडियो के माध्यम से फॉरेस्ट में आपको मिल जाएगा, तो ध्यान से देखिए रेड कलर में आपको मिलेगा चार जगह, आप ध्यान से उसको पासवर्ड के लगाइएगा और मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि सही पासवर्ड निकालते हैं बट जहाँ डालते हैं वहाँ आप गलत कर दे रहे हैं, तो कमेंट में करते हैं कि भाई पासवर्ड गलत है, पासवर्ड सही आप लोग मिल रहा है आपको पासवर्ड, लेकिन जहाँ डालकर अंजित करना होता है वहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सही से क्या करना है कि इसको मतलब कि लगा के ऑन इट कर लेना है, आप पीडीएफ फाइल ऐड कर लेना है। नहीं करना आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको 3 पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा, मतलब कि ऐड कैसे करते हैं वो आपको इसमें से कोई भी देख सकते हैं, आसानी से आपको उसमें बताया गया स्टेप बाई स्टेप कैसे क्या करना है, क्या मतलब उसमें करना है, किस तरह के पीडीएफ फाइल मतलब कि मतलब पूरा उसमें प्रोसेस बता दिया गया है, ठीक है। तो घबराए मत, आपको सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी बताऊँगा किस तरह का क्या करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करने से आप छोटे से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि कमेंट में बताइए अपना प्रोजेक्ट का नाम, इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप सबके घबराइए मत, थोड़ा प्रोजेक्ट ज़्यादा होता है मेरे पास तो थोड़ा लेट वीडियो लेकर आता हूँ, इसीलिए आप सबको माफ़ी चाहता हूँ। बट आप लोग के कमेंट करते रहिए, आप सबका प्रोजेक्ट जल्द से जल्द प्रोवाइड कोशिश करूँगा को मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से बता दें कि हम लोग यूज करेंगे पिक्सल लैब का, पिक्सल लैब के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें एक एक बात मतलब बता दें कि इसमें टेक्स्ट कुछ है कि यहाँ पर मर्ज करके बनाए गए हैं और लिखना भी है और उसको एडिट भी करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मेरा स्क्रीन पर ये रहा हमारे पिक्सल लैब, यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्सल लैब को हम इसमें ओपन कर लेते हैं। चलिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप प्ले स्टोर से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी माध्यम से आपको यहाँ से ओपन कर डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पिक्सल लैब सिंपली यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। आप क्या करना है कि आपको इस तरह का प्रोजेक्ट पहले से बनाए हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, आपको नहीं बनाए फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको होम पेज देगा। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देना है, कैंसिल कर देना, यहाँ पर होम पेज इस तरह का बन जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता देगा पी एल पी फाइल कैसे ऐड करना है। तो सिंपल से बात बता देगा, आपको यहाँ पर 3 डॉट लाइन देख रहे हैं, इस पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको देख सकते हैं यहाँ पर नीचे से थर्ड नंबर ओपन डॉट पी एल पी फाइल लिखा है, जहाँ पर ये सर्कल देख रहे हैं बक्स, इसमें देख सकते हैं क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक देख सकते हैं ऊपर डॉट पी एल पी फाइल लिख रहा है, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पर डॉट पी एल पी फाइल लिख रहा है, इस पर क्या करना है क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इसका जितना भी फोल्डर होगा आपका फाइल मैनेजर आपके सामने शो हो जाएगा। आपको क्या करना है कि जहाँ भी मतलब कि आप डाउनलोड कर रखे हैं उस फोल्डर का करने को सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद से आपको तो इसे क्या करना है कि आपको वहाँ से ऐड कर लेना है। कैसे ऐड करना है चलो व्यू में दिखा देता हूँ क्या करना है। मेरा पिक्सल में जाते हैं उसको फोल्डर को उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा मतलब यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है किसी तरह का आपको मतलब फोल्डर मिल जाएगा, ओपन कर लीजिएगा तो इस तरह का मतलब हो जाएगा। अगर ये डायरेक्ट मतलब क्लिक कीजिएगा तो आपको सामने इस तरह का ओपन वन लिया जाएगा और ओपन एंड ऐड आ जाएगा। तो आपको क्या करना है ओपन एंड ऐड पर क्लिक कर लेना है, सेकेंड वाला पे ये वाला पे क्लिक करने के बाद से आपको सारा काम अपने आप से हो जाएगा। चलिए मैं उसके बाद बाकी चीज़ यहाँ पे आपको बताते हैं। स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे ई वाला पी एल पी फाइल है, ई वाला पी एल पी फाइल है। आपको क्या करना है कि मतलब सिंपल से इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट आपको निकल जाएगा आपको होम पेज पर। इस तरह क्लिक करना है, इसको चले जाते हैं बैक पे। बैक में देख सकते हैं आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें लगाया गया है, जो मास साइबर एंड एम प्रिंटिंग प्रेस जो लिखा गया है इसको थोड़ा मैं इसमें मर्ज किया रहा हूँ, उसको इनबॉक्स मतलब यूज किया हूँ, थोड़ा इसमें सॉफ्टवेयर में किया हूँ
कलर्स वर्स थोड़ा इसमें मिलाया है। तो आप इसी तरह बनाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बन रही है, उससे सारा चीज़ इसमें बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हमको वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तो मैं यहाँ पर क्या करना कि इस तरह का मतलब का कोई भी नेम है अपना शॉप का तो यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से यहाँ पर एक ऑप्शन को मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर जाना है, एडिट पर जाना है, आप जो भी मतलब लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। चलिए मैं फटाफट से कोई भी नाम लिख लेता हूँ। मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर केवल रोहित साइबर लिख लेंगे, उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सी ओके करने पड़ गए लेंगे यहाँ पर बीच में, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा साइज बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ पर थोड़ा इसे पेंडिस बढ़ा देंगे दोनों साइड का, ताकि हम लोग टेक्स ना कटे, इसको कलर पर जाएंगे, कलर इसको ये वाला कलर रहते हैं ताकि हम लोग को देखने में अच्छा मतलब बोल सकते हैं कि मतलब कि देखने में हम लोग को बुझाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, राइट क्लिक करता अपना मन चाहिए जो भी कर रखना चाहते हैं रख सकते आसानी से, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर रख लेते हैं, उसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर जाएंगे ये भी फंड पे, फंड पे अपना मन चाहे जो भी फंड रखना चाहते हैं आसानी से रखते। चलिए मैं कोई भी फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी कोई भी फंड यूज कर सकता हूँ आसानी से। मैं एक यहाँ पर फंड सेलेक्ट कर लें, उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस वाला फंड है, काफ़ी वीडियो में मैं यूज कर रहा हूँ आप सबको दिखाने के लिए। यहाँ पर इनबॉक्स का इनबॉक्स पर इनेबल करेंगे और इनेबल कर देख सकते हैं काटा फटा हो जाएगा। स्क्रॉल करना है यहाँ पर साइज दिया है, साइज थोड़ा यहाँ पर इंक्रीज कर देना, इंक्रीज देख लेना इस तरह कर लेना है। तो फिर से स्क्रॉल कर लेंगे यहाँ पर और इसको फिर से इनबॉक्स पर जाएंगे, इसको थोड़ा इधर अपना 315 कर लेंगे, ठीक है। 315 या 20 का आसपास में कर लेंगे, मैं यहाँ पे केवल 320 कर लेता हूँ। उसको नीचे जाते हैं, इसको पूरा पूरा एकदम 100 कर देंगे। करने के बाद इसको राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा कुछ का। साइड स्ट्रोक साइडों पर जाते हैं, इसको इनेबल करेंगे और यहाँ पर ब्लैक लेंगे। ब्लैक लेने के बाद नीचे जो ब्लर रेडियस दिया है इसको 0 कर देंगे। करने के बाद क्लिक करेंगे और इसको क्या करते हैं कि इसको स्क्रॉल करेंगे और जो रेक्टेंगल्स से बीचों बीच इसको कर लेते हैं, उसको इसको कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के बाद फिर से इस पर क्लिक करके बीचों बीच सेंटर मिला के उसके लेयर पर जाएंगे। लेयर पर जाने के बाद फिर इमर्ज पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, इसको दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, मर्ज क्लिक करके ओके कर देंगे। हम लोग का इस तरह का मर्ज हो जाएगा, देख सकते हैं मेरा एक ही बार में इसको इस तरह का हो गया, देखिए, ठीक है। आप भी इस तरह का मतलब बना सकते हैं, देखिए मेरा काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। आप कलर लगाइएगा तो आपको कलर के हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं कलर के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का सारा चीज़ यहाँ पर एडिट करना है और एडिट करने के बाद से आपको जो भी मतलब नाम और प्रॉपर्टी रहे तो यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। कॉर्नर पर देख सकते हैं लेयर है, इस वाला लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारा चीज़ है उसमें एक एक पार्ट को इसमें दे दिया गया है, एडिट कर लेना, ठीक है। नाम वगैरह वगैरह जितना भी चीज़ है, पता होता मोबाइल नंबर प्रोपराइटर और श्री गणेश जितना भी एडिट करना चाहते हैं आसानी से इस एडिट पर मतलब कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो इसमें PNG लगाया गया है, ये वाला PNG आपको इसको हटाना चाहते तो हटा सकते हैं और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। कोई अगर परेशानी होती है तो मेरे को कमेंट कीजिए, प्यूरीफाई के नीचे एक लिंक मिल जाएगा वीडियो से प्रॉब्लम, उस पर क्लिक कीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और कुछ सामने मेरे को कमेंट कीजिए और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसमें शादी कार्ड, मुंडन कार्ड और विजिटिंग कार्ड इत्यादि लिख दिए हैं और इसमें ऐड करना चाहते थे क्या करना, कैसे वाला जो ये PNG दिया गया है ये वाला, इस PNG का हटा देना है, यहाँ पर कुछ और ऐड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जितना ऑनलाइन की सारा सामग्री होता है मतलब ये होता है इसमें ऐड लिख दिए हैं। लिखने के बाद से आपको कहना कुछ और इसमें मतलब हटाना चाहता है तो हटा सकता है आसानी से यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके, ठीक है। तो यही छोटा सा मतलब प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद से क्या करना कि यहाँ पर शेयर का ऑप्शन जो दिया है, इस शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद क्लिक करना है, इसे PNG सेलेक्ट करना, PNG डिफॉल्ट पर जाना है, अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी कर लेना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। बट आपको बता दें कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में अपना बताइए प्रोजेक्ट का नाम, आपको आसानी से नेक्स्ट टाइम आपको लेकर चले आएंगे, ठीक है। घबराइए मत, थोड़ा सा लेट होता है बट आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना, टेक यू एंड